आयकरदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के उद्देश्य से आयकर विभाग सोमवार को जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत विभाग द्वारा कुल 4 प्रचार वाहन चलाए जा रहे हैं, जिसमें 2 प्रचार वाहन शहरी क्षेत्रों में तथा 2 वाहन अन्य जनपदों में चलाए जाएंगे, जिसको सोमवार को आयकर कार्यालय परिसर से प्रधान आयकर आयुक्त नित्यानंद ठाकुर और ज्वाइंट कमिश्नर AP मणि ने रवाना किया। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए प्रधान आयकर आयुक्त नित्यानंद ठाकुर ने बताया कि सभी पैन कार्ड धारकों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगभग 50 लाख पैन कार्ड धारकों में से मात्र 3 लाख लोग ही रिटर्न दाखिल करते हैं, बाकी लोग आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आयकर दाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आयकर दाताओं समझ सकें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, देश के विकास और तरक्की के लिए आयकर जरूर दाखिल करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधान आयकर आयुक्त नित्यानंद ठाकुर ने बताया, करने पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है, तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर ई फाइल नहीं करते हैं तो लेट फाइलिंग फी देनी पड़ेगी। भाई अपना एडवांस टैक्स समय पर भर रहा हूँ और इसी से तो होगा नई भारत का निर्माण। बिल्कुल सही, आप जो भी इनकम टैक्स के रूप में या नई सुविधाओं का निर्माण, आइए मिलकर हम करें नए भारत का निर्माण। समय पर इनकम टैक्स देकर करें अपना योगदान। आप द्वारा पिछले वर्षों में अग्रिम कर की अदायगी प्रशंसनीय रही, पूरी तरह अस्वस्थ आप अपने निकटतम आयकर कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपने अभी तक अपने अकाउंट ऑडिट करा लिए होंगे। इसके अलावा कल हम इसको ये गोरखनाथ मंदिर के एरिया में, मेडिकल कॉलेज एरिया में और परसों महदीपुर कूड़ा घाट के एरिया में, और इसके बाद वाले दिन में रोस्तमपुर और आप ये अफगान तीनों एरिया के काम। ये हमारा जो मिशन है, जो उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा SSC के साथ जुड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा SSC जो है इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं, जो करदाता हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो। हम इस तरह से खुद डिपार्टमेंट उनके पास पहुंचने का कोशिश करता है और ये भी कोशिश करता है यदि आपको कोई दिक्कत हो तो हम इस तरह की का मैसेज देते हैं। यदि आपको विशेष दिक्कत है, यदि तो आप मेरे डिपार्टमेंट में आए, हर एक जो स्टेशन है वहाँ मेरा इनकम टैक्स ऑफिस है, वो एड्रेस दिया हुआ है और वो हमने पेपर में एडवर्टाइज़ भी किया है। यदि कोई दिक्कतें होती है तो आप आकर के कंसल्ट करें, हम उसको सॉल्व करेंगे। और जो हमारे ये आउटरीच प्रोग्राम है या ई सहयोग अभियान है, उसमें हम वहाँ तक पहुँच करके जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है वो वहीं उसका निवारण करते हैं। तो ब्रॉडर उद्देश्य यही है, जो हम SSC को एक सुविधा फैसिलिटेट करते हैं, जो या तो जो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन में हो, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ये है जो रिटर्न फाइल करने में जो उन्हें जो दिक्कतें होती हैं उसको हम तुरंत सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें एक तरह से मैसेज देते हैं जो रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। सही समय पे आप रिटर्न फाइल करें, सही समय पे आप कर जो आप जो इनकम का निर्धारण हुआ है उस बेसिस पे आप टैक्स भरें,
तो अभी जैसे 15 सितंबर एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट सेकंड ये आ रहा है एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट पे करने का, तो इसलिए ये थोड़ा जोर शोर से ये अभियान शुरू किया गया है, जिससे कि उन्हें ये अभी मैसेज तुरंत जाए जो आप अपना कर का निर्धारण ठीक ढंग से करें। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है, जो एक तो देखिए जो गोरखपुर पूरे चार्ज में 50 लाख से ज़्यादा पैन है, जो लोगों ने 50 लाख पैन लिए लेकिन रिटर्न कितना फाइल करते हैं, 3 लाख, 3 लाख समथिंग, तो इसका मतलब 47 लाख के आसपास लोगों ने पैन लिया और रिटर्न नहीं फाइल करते। मैं ये मानता हूँ उसमें से बहुत सारे एसएससी ऐसे होंगे जिनका कि इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ जो बहुत ऐसे भी हैं जिनका कि इनकम टैक्सेबल है, लेकिन वो किसी डर भय या असुविधा के कारण शायद वो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपके मन में जो ये डर है या जो भय है या जो असुविधा है, इस कर ई सहयोग और आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू इसको इसका निवारण करें और आपको फैसिलिटेट करें और आपको समझाएं जो आप रिटर्न फाइल करें टैक्स में। सर कब तक चलेगा ये? देखिए ये चूँकि हमारे ऑफिसर्स जो है उनके पास काम भी बहुत ज़्यादा है, हमें उसी और गोरखपुर चार्ज में ये मैं इस माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ जो गोरखपुर चार्ज और चार्ज के रिस्पेक्ट में जैसे आप दूसरे चार्ज देखें तो वहाँ ऑफिसर्स भी ज़्यादा हैं, स्टाफ भी ज़्यादा है, मेरे यहाँ ऑफिसर्स बहुत कम हैं, एक एक ऑफिसर्स दो दो चार्ज होल्ड कर रहे हैं, दूर से आते हैं, तो ये उनके पास समय का वो अभाव है, प्लस जो अदर जो भी इनकम टैक्स के मैटर है स्क्रूटनी वो भी देखना पड़ता है। हम इसी से समय निकाल करके और ये भी साथ साथ, क्योंकि ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को साथ ये है जो रिटर्न फाइल करें इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। सर काफ़ी लोग समझ रहते हैं कि एक बार अगर रिटर्न दाखिल कर लेंगे तो दोबारा फिर करना पड़ेगा या फिर उससे बढ़ सकता है, तो उन्हें ये भी तो डर होना चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो उससे भी ज़्यादा परेशानी होगी। आपने एक बार फाइल कर दिया तो ये तो आपकी भलाई के लिए आपके इंटरेस्ट में है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फाइल करके दिखाएंगे, आपका कैपिटल बनेगा, आपके सारे चीज़ रिकॉर्ड पे आएंगे, उस कैपिटल या जो आपका धन अर्जित धन है उसको आप दूसरे चीज़ में यदि उपयोग करते हैं तो कोई आपको इस चीज़ पर क्वेश्चन नहीं कर सकता ये पैसे कहाँ से आए, तो इसलिए ये उनके इंटरेस्ट में है। यदि आपका इनकम और टैक्सेबल है तो आप रिटर्न फाइल कीजिए और टैक्स भरिए, पर नहीं भरने से तो आजकल देखिए आजकल सरकार के पास इतने सारे सोर्सेज हैं, डिजिटल मोड में आने के कारण बहुत जगह सारी आपके सारे एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाता, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है और यदि उसको हम प्रोसेस करें और उस बेसिस पे यदि पता चला जो आपके 4 साल पहले रिटर्न तो भरने चाहिए नहीं भरेंगे तो आपको पेनल्टी भी लगेगी, प्रोसिक्यूशन भी होगा और एक सब परेशानी भी होगी, तो इसलिए ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है जो आप पहले से ही रिटर्न फाइल करें और ये मुहिम इसीलिए शुरू किया गया। नहीं यदि आप सही समय पर रिटर्न फाइल करते हैं जैसे ड्यू डेट पे ये करते हैं या रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं, देखिए कोई भी काम यदि आप गुड फेथ में करते हैं वॉलंटरी करते हैं उसमें यदि जुर्माना का प्रोविज़न भी है तो माफ़ करने का भी प्रोविज़न है एक्ट में, तो वो भी सुविधाएँ दी गई। लेकिन यदि आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स में जो रिटर्न या टैक्स जो आप गुड फेथ में और वॉलंटरली यदि फाइल करेंगे तो आपको बचने की भी उम्मीद है, लेकिन हमारा मैसेज यही होगा जो आप सही समय पे रिटर्न फाइल करें, सही समय पे टैक्स भी भरें, और जो ये सही समय अभी जैसे सितंबर है 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स देने की ये है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी टाइम पे वो भरें। और ये एक और भी मैसेज देना चाहता हूँ, यही नहीं है बहुत सारे एसएससी ऐसे हैं जो अपना इनकम कम दिखा करके शो कर रहे हैं,
जो यदि देखिए जैसे उनका असेसमेंट होता है या और एक्टिविटीज़ में पता चला जो उनके टैक्स लाइबिलिटी तो 2 करोड़ था, उन्होंने रिटर्न फाइल किया 50 लाख ही दिखाया, उस समय उन्हें परेशानी थी। इसीलिए ऑनेस्ट टैक्स पेयर ना, आपका एस्टिमेट जो होना चाहिए इनकम का वो ऑनेस्ट होना चाहिए। आप यदि ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं तो ऑनेस्ट मीन्स आपका जो एस्टिमेट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, इनकम सही होना चाहिए, टैक्स सही समय पे दिखाना चाहिए और जो नियम है उसके अनुसार होना चाहिए। तो ये यदि होता है तो फिर उसमें आपके बचने की भी बहुत सारे उम्मीद है। इंटरेस्ट भी वेवर का प्रोविजन है। यदि मान लीजिए आपको कभी कोई परेशानी होती है, आप यदि इस्टेब्लिश करते हैं नहीं हमने तो गुड फेथ में ये सब किया था या हमने वॉलंटरी किया, तो उसमें कंडोन भी किया जाता है। लेकिन यदि आप रिटर्न ही नहीं फाइल करेंगे और इनकम इतना कम दिखाएंगे जो कि रियल इनकम के बहुत ही मतलब नीचे है, उसमें तो परेशानी होगी। और ये ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेज आए हैं जहाँ मैंने जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया, जो आप IDS में देखिए इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2016 जो आया था उसमें गोरखपुर चार्ज में 2016-17 में 50 करोड़ एडिशनल इनकम आया, उन्होंने टैक्स भरे, और 17-18 में उन्होंने फिर 50 करोड़ आया, तो मतलब 100 करोड़ करेक्शन हुए हैं 2 साल में। वहीं यदि हम दूसरे चार्ज का देखते हैं जैसे बनारस में तो 52 करोड़ आए थे, इलाहाबाद में 26 करोड़ आए, तो ये क्या दिखा रहा है? तो गोरखपुर में जब डिस्क्लोजर स्कीम में इतने आगे बढ़ चढ़ के मतलब अनडिस्क्लोज इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत कम, बहुत सारे ऐसे SSC हैं जो कि उन्होंने रिटर्न फाइल ही नहीं किया पहले, और बहुत सारे ऐसे SSC हैं जिसने फाइल किया लेकिन करेक्ट इनकम नहीं दिखाया। तो इसलिए मैसेज जो है ये क्लियर कट है, जो स्कोप काफ़ी है, जो आप ज़्यादा करके टैक्स पे करें, क्योंकि मेरे पास जस्टिफिकेशन है और ये मेरे पास एविडेंस है, जो बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैसेज है जो आप निश्चित रूप से सही समय पे ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें।